अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप लोग सब इस वक्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इन्जॉय करेंगे सर्दी के मौसम को। तो आज आपको सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 8 से आज हम अल्केन्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने नाम दिया था, नोमेनक्लेचर दिया था अल्केन्स को, किस तरह नाम दिया जाता है, अल्कीन अल्काइन्स को किस तरह नाम दिया जाता है। आज आपको बताएंगे कि अल्केन्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। एग्जाम में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से कभी कभी कोई एमसीक्यूज भी आ सकता है, तो एमसीक्यूज के लिए भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा क्या करना है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, और यहाँ से एक सवाल शॉर्ट डेफिनेशन का आ सकता है कि आप किसी खास कंपाउंड को कैसे बनाओगे। तो इस टॉपिक को याद करने का सबसे पहले इंपॉर्टेंट तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि इसमें इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ आप थोड़ा जहन पे जोर लगाओगे चीज़ों को याद करने के लिए, आप ज़्यादा कोशिश करोगे। तो एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक को सबसे पहले तैयार किस तरह से करना है, आपने अपने जहन में सबसे पहले ये रखना है कि अल्केन्स को तैयार करने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं। ये 5 तरीके अपने जहन में रखने हैं, और 5 तरीके में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम लोग अल्केन को बना सकते हैं, उनका अपने नाम याद रखना होगा। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप अल्केन्स को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से तैयार कर सकते हैं, मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बाउंड हो तो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं, और उसका मेथड क्या है मैं आपको बोर्ड बताऊँगा। दूसरा कौन सा तरीका है, आप अल्काइल हैलाइड से तैयार कर सकते हैं, और आप कार्बो ऑक्जिलिक एसिड से तैयार कर सकते हैं, और आप कार्बोनाइल कंपाउंड से तैयार कर सकते हैं, और आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इस्तेमाल कर तैयार कर सकते हैं। ये नाम अपने याद रखना होगा। अब जब अपने नाम याद किए तो उसके बाद रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच बाज़ औकात कोई रिएजेंट यूज होता है, या कोई टेम्परेचर यूज होता है, या कोई कैटलिस्ट यूज होता है, उसको आपने याद रखना है। प्लस इन रिएक्शंस में अक्सर मैकेनिज्म नहीं होता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कहीं पर रिएक्शन का मैकेनिज्म आ जाता है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अक्सर रिएक्शन में कोई मैकेनिज्म नहीं है कि किस तरह से कौन सा आइटम कहाँ गया, आपको याद करना होगा। तो ये चीजें आप जहन में रखोगे तो एग्जाम में आपके लिए मसला नहीं होगा। अब जैसे कि सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि अल्केन, जैसे कि हमें पता है अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है सीसी, शॉर्टकट में आप उसको आर सिंगल बॉन्ड आर भी लिख सकते हैं, आर सिंगल बॉन्ड आर, आर आपका अल्काइल ग्रुप है, तो इस तरह के कंपाउंड को अल्केन कहते हैं। अब अगर आपने इस तरह के कंपाउंड बनाने हैं तो सबसे पहला तरीका आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन ऑफ द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या चीज, ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद, ये सारे आपके पास क्या हाइड्रोकार्बन है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, दे आर कॉल्ड एज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इनके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड कर दें। देखिए ये जो एक डबल बॉन्ड होता है, अगर ये किसी कंपाउंड के अंदर है डबल बॉन्ड, तो अगर आप इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हटाओगे तो इधर आपको दो हाइड्रोजन ऐड करने होंगे, और अगर पहले से कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो जाहिर है यहाँ पर दो हाइड्रोजन मौजूद होंगे और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन मौजूद होंगे। अब इसका उलट जरा देखिए, अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे, जब आप दो हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो उन दो हाइड्रोजन के रिमूवल से इन दो कार्बन के बीच एक बॉन्ड आ जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। अभी भी देखो सॉरी, पहले ये किस तरह से था, पहले ये CH3 था, पहले ये CH3 था जब ये सिंगल बॉन्ड था CH3, क्योंकि कार्बन को चार बॉन्ड होने चाहिए,
जब आप दो हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, दो हाइड्रोजन को जब आप रिमूव करोगे, लेट सपोज आपने एक हाइड्रोजन यहाँ ये वाला रिमूव किया, ये रिमूव कर दिया, जब आप दो हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो उससे क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड आएगा। तो हाइड्रोजन रिमूव किए डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड रिमूव किया हाइड्रोजन आएगा। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अगर आप ये डबल बॉन्ड रिमूव करना चाहते हैं इसके अंदर आपको हाइड्रोजन ऐड करना होगा। कितने हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे एक बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए? दो, याद रखिएगा। तो आपके पास दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर आएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पर आएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाएगा। आगे जाकर आपको क्या मिलेगा? R सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि H तो था, एक और हाइड्रोजन आ गया CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये पहले क्या था? अल्कीन था, पहले इसका नाम क्या था? अल्कीन था। अब इसका नाम, चूंकि सारा सिंगल बॉन्ड है तो अब इसका नाम हो गया अल्केन। बस आपने एक और चीज याद रखना है कि इस रिएक्शन को हीट चाहिए, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट चाहिए, प्लस आपको इधर कैटलिस्ट यूज करना होगा निकल, ये आपको याद करना होगा। अगर आप रूम टेम्परेचर पर करना चाहते हैं तो फिर आपको हीट की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर आप पैलेडियम या प्लैटिनम PT आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? प्लैटिनम, ये थोड़े महंगे हैं, प्रोसेस महंगा है, तो अगर आपने ये कैटलिस्ट यूज़ किया पैलेडियम या प्लैटिनम, फिर आपको हीट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर एग्जाम में आ भी गया कि हाउ यू विल प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्कीन, इस तरह से सवाल आ जाता है, दो लाइनों में हैरान हो जो कि यार मैं किस तरह से याद करूँ, मुझे क्या पता, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अल्केन को अल्कीन से किस तरह से तैयार किया जा सकता है, वो हाइड्रोजनेशन करके, ठीक है? अब मैं आपको इसका एक मिसाल बताता हूँ। इधर मैंने R लिखा था, R पता नहीं क्या है, कुछ भी तो हो सकता है ना, मतलब ये कोई अल्कीन है। अब अगर आप लोग इसको हटाओ, यानी यहाँ पर कोई एग्जांपल के तौर पर अगर आप लिखना चाहोगे, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेट सपोज ये हमारे पास, ओके आई थिंक नाउ इट्स फाइन, ये हमारे पास 1, 2, 3 कार्बन है, तो ये जो तीन कार्बन है इसको हम लोग क्या नाम देंगे? PROPENE, प्रोपीन का नाम देंगे। आई होप आपने मेरे से लेक्चर सुने होंगे, ये प्रोपीन है। तो ये जो प्रोपीन है, इस प्रोपीन को के साथ अगर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, कैटलिस्ट ऐड करेंगे, तो आगे जाके क्या बनाएगा आप बताते जाएंगे मुझे, क्या बनेगा? CH3 तो बनेगा, पहले से होगा। ये आपका जो CH है ये हो जाएगा CH2, और यहाँ पर आएगा सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2, तो पहले से था, ये हो जाएगा CH3। तो अब इसका नाम क्या रखेंगे? PROPENE, प्रोपेन। तो सवाल एग्जाम में आ सकता है कि हाउ यू विल मेक प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन, तो ये तरीका आपको अपनाना होगा, एग्जाम पीरियड उधर देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप लोग ब्यूटीन से ब्यूटेन कैसे बनाओगे? आप पेपर पे कर सकते हो, ठीक है? आपके पास ब्यूटीन है, कहीं पे भी कोई डबल बॉन्ड है, 1, 2 ब्यूटीन है, लेट सपोज आप कॉपी पे लिख सकते हो 2 ब्यूटीन, पहले आप लोग लिखो और फिर वहां से आप ब्यूटेन कैसे लिखोगे। देन वी हैव फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से भी आप बना सकते हो। अल्काइल हैलाइड है क्या चीज? अल्काइल हैलाइड में हमारे पास R के साथ X आएगा, और X आपको पता है X क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 7 के कोई भी मेंबर हो सकता है। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ जिंक को अटैच करें और यहाँ पर एक एसिड को भी यूटिलाइज करें, तो व्हाट विल हैपन कि ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा। ये जो आपका H है, ये जो H है एसिड वाला, जो HX HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड भी हो सकता है, X तो हैलोजन को कहते हैं, तो यहाँ पर जो भी हैलोजन होगा ये हैलोजन इस जिंक के साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो हैलोजन है ये भी जिंक के साथ अटैच हो जाएगा। तो जिंक के साथ एक हैलोजन यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, ये हमारे लिए बनेगा जिंक ZnX2, क्योंकि 2X है। अब ये जो हाइड्रोजन है
ये हाइड्रोजन यहाँ से आकर इस चूंकि ये बॉन्ड टूट जाएगा तो R के साथ अटैच होगा, तो हमारे पास R के साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। और R H किस चीज़ की निशानी है, R H अल्केन की निशानी है। अगर आप लोग R R लिखते हैं या R के साथ आप H लिखते हैं तो आपके पास ये अल्केन आएगा। आप इसका एग्जांपल हम आपके लिए लिखेंगे, R की जगह आप क्या लिखना चाहोगे मेरे भाई, आप लोग लिखोगे CH3, लेट सपोज CH3, X की जगह आप ब्रोमीन लिख दें तो क्या नाम होगा उसका, मिथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल है उसके बाद ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड। इसके साथ हम अटैच करेंगे, किस चीज़ को अटैच करेंगे, जिंक प्लस HBr। देखो अगर इधर Br है तो आप इधर हाइड्रोजन ब्रोमाइड अटैच करोगे, ठीक है, HBr को अटैच करना होगा। अब व्हाट विल हैपन, ये जो ब्रोमीन है और ये ब्रोमीन, ये जिंक के साथ अटैच हो जाएंगे, हमारे पास क्या बनेगा, ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड। इसका नाम है क्या, जिंक ब्रोमाइड। और आगे जाके क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन CH3 के साथ आएगा तो हमारे पास होगा CH3 के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट अगर इसको ऐसे CH4 लिखते हो भी कोई मसला नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मीथेन। ये देखो आपने मीथेन भी बना लिया, आप मीथेन भी बना सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप इथेन कैसे बनाओगे, इथेन फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, तो उसके इथेन के लिए आप थोड़ा सा टेक्निकल सोचा करें। ये आपका सिर्फ एक CH3 है तो ये आगे जाकर आपको सिर्फ एक कार्बन वाला अल्केन देगा। अगर वो चाहते हैं कि हमारे लिए इथेन बना के दे, इथेन दो कार्बन, तो फिर आप इधर दो कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा दे, यानी CH3CH2Br लगा दिए, आगे वही आ जाएगा। अब आपको लकीर पर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आ जाए कि मेरे लिए प्रोपेन बना के दिखाओ, प्रोपेन के लिए आप क्या करोगे इस तरीके से, प्रोपेन के लिए आप ब्रोमीन के साथ तीन कार्बन लगाओ, CH3CH2CH2Br लगाओ, आगे करो। तो एक तरीका मैंने समझा दे, बाकी आप खुद कर सकते हो, राइट। कॉपी उठाओ और शुरू हो जाओ, बनाओ उसको। नाउ थर्ड कौन सा तरीका है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ द मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले तो मैं बताता हूँ कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या चीज़। कार्बोक्सिलिक एसिड खासकर इसका सॉल्ट, हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें R के साथ C डबल बॉन्ड O और उसके साथ O Na आ जाए। इससे पहले हम R C O O के साथ इधर H लिखते थे, ये था मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर अगर इस हाइड्रोजन की जगह पर आप कोई मेटल, सोडियम पोटाशियम, मतलब आप यूज करो सोडियम पोटाशियम, जो भी आप पोटाशियम लाओ या सोडियम लाओ, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटाशियम साल्ट, इसका नाम है पोटाशियम साल्ट। अगर आप लोग इसकी जगह पर सोडियम रखोगे तो फिर इसका नाम है सोडियम साल्ट। तो अब ये है क्या चीज, सोडियम साल्ट। और जब साल्ट की बात आएगी तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर RCOO के साथ अगर मैं पोटाशियम लाऊं तो पोटाशियम पर क्या होगा, प्लस का चार्ज होगा, इधर नेगेटिव चार्ज होगा। और ये है पोटाशियम साल्ट, ये है सोडियम साल्ट। याद रखिएगा ये पहले एसिड था, कौन सा एसिड था, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक क्योंकि इसमें सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ एक का ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। व्हाट इज मीन बाय डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ, क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप किसी कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालोगे, दिस इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम किसी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड को, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसका ओरिजिनल शक्ल दरअसल ये है C डबल बॉन्ड O, ये इसका ओरिजिनल शेप है CO2 का। तो अगर आप इस ग्रुप को, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना C डबल बॉन्ड O, अगर इस ग्रुप को हम लोग निकाल दें,
ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन. और अब हमें पता है कि सी ओ ओ किस किस ग्रुप में है, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो है. आइए अब हम यहाँ से सी ओ टू को निकाल देते हैं. सी ओ टू को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके हैं सी ओ टू को निकालने का. पहला तरीका कि आप सोडा लाइम इस्तेमाल करो, सी ओ टू निकल जाएगा. दूसरा तरीका करंट इस्तेमाल करें. पहले सोडा लाइम की तरफ देखें, करंट वहां पर है. सोडा लाइम क्या चीज है याद रखिएगा, दो चीजों की कॉम्बिनेशन को सोडा लाइम कहते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैंने नाम नहीं लिखा, आप लोग लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखो आप लोग. इसके साथ जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को कंबाइन करोगे ना, तो दैट इज कॉल्ड सोडा लाइम. अब सोडा लाइम क्या करेगा, यहां से ये जो सोडियम है इसको रिमूव करेगा, राइट. और यहां पर आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहां पर आप गौर से देखिए, ये जो सोडियम है और ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों सोडियम आपस में मिलके क्या बनाएगा, Na2 बनाएगा, Na2. जबकि ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ ये सी ओ थ्री बनाएगा. सी डबल बॉन्ड ओ, एक ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो ये बनाएगा सी ओ थ्री. अब आपका बना, अब आर बच गया. आर के साथ क्या आएगा, आर के साथ यहाँ पर ये जो एक हाइड्रोजन है ये आर के साथ आएगा, ये बनेगा आर एच, राइट. तो ये आर एच आपके पास क्या है, ये आपके पास अल्केन है. तो अब मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ. लेट सपोज यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए लिख लेता हूँ, सी एच थ्री मैंने लिख लिया, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, ठीक है. सोडियम एसिटेट लेट सपोज मैंने लिखा यहाँ पर, या अब यहाँ पर मेरे पास क्या मौजूद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है, एन ए ओ एच मौजूद है, और साथ साथ ठीक है इस रिएक्शन के द्वारा मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड भी है. अब क्या होगा कि अकॉर्डिंग हमने जैसे पढ़ा था कि ये जो सोडियम है और ये जो सोडियम है ये आपस मिल जाएंगे, इनसे क्या बनेगा, एन ए टू बनेगा. और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ और एक ये जो ऑक्सीजन है सी ओ थ्री, ये बनेगा सी ओ थ्री. अब बच गया क्या, हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन बच गया, ठीक है. ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन हमारे पास सी एच थ्री के साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सी एच थ्री के साथ बनेगा सी एच फोर बनेगा. तो ये देखो आपके पास अल्केन आपके पास आ गया, मीथेन आपके पास आ गया. अब हम लोग नेक्स्ट पी तरफ जाते हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा तरीका क्या है. यह है दूसरा तरीका है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, करंट की मदद से भी आप इसे हासिल कर सकते. लेकिन अगर आपने करंट की मदद से आपने ये प्रोसेस किया तो फिर इसका नाम क्या, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इसका नाम होगा. कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम क्या करते हैं, हम फिर से लेते हैं आर सी ओ ओ एन ए. आप परेशान मत होना, ये वही आर आर सी ओ ओ एन ए है. इसके साथ हम वाटर को ऐड करेंगे और आगे जाकर आपको आर सिंगल बॉन्ड आर मिलेगा, प्लस आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और आपको हाइड्रोजन मिलेगा. ये चार चीज़ें आपने याद रखनी है. अब आप देखोगे किस तरह से ऐसा होता है. इसमें हमारे पास होता क्या कि सबसे पहले मैं एक R लिख लेता हूँ यहाँ पर, हमारे पास है R C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर क्या है O N A, राइट. ये हमारे पास एक साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है R C डबल बॉन्ड O O N A, ठीक है. ये है दो है ना, तो मैंने इधर दो लिखे हुए हैं. अब इसके साथ हम वाटर, क्योंकि दो वाटर है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक H2O यहाँ पर लिखेंगे, H2O को आप लोग H2O भी लिख सकते हैं, HOH भी लिख सकते हैं, ठीक है. और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, H2O है, HOH है, ये आपके पास है. अब आप देखिए होता क्या है, अब आप जरा देखिए, ये जो सोडियम है, ये वाला जो सोडियम है ये इस OH के साथ मिल जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ मिल जाएगा, राइट. तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH बन जाएगा. बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर ये जो OH है और यहाँ पर ये जो सोडियम है ये आपस मिल जाएगा, इसे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा.
अब आप देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ये आपस में मिलके H2 बनाएगा, क्या बनाएगा, आपस में मिलके ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा, फारिग हो गए। अब हमारे पास ये देखो, ये जो R है, ये जो R और C के दरमियान जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसके साथ आकर ये बनाएगा C डबल बॉन्ड O। आप देख सकते हैं ये बॉन्ड टूट जाएगा, C डबल बॉन्ड तो पहले से था, ये बॉन्ड भी इधर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी ये ऑक्सीजन बनाएगा, राइट। और इसी तरह से ये भी C डबल बॉन्ड O मिलके क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। अब ये जो एक CO है ये आपके पास एक CO2 की शक्ल में आएगा और ये आपके पास दूसरे CO2 की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये RR बिल्कुल अकेले रह गए, RR जब आपस ये अकेले रह गए तो ये RR आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब जब ये आपस में बॉन्ड बनाएगा तो हम लोग इसको यहां पे लिख लेते हैं R सिंगल बॉन्ड R, लेकिन मैं क्या करूंगा इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, R अभी भी यहां पर अटैच है, यहां पर भी R अटैच है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप देख सकते हैं कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये है भाई आपके दो सोडियम हाइड्रोक्साइड, दो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर है, तो ये देखो हमारे पास दो कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारे पास एक RR है, तो ये है हमारे पास एक RR भी हमारे पास आ गया। यहां पर जो हाइड्रोजन मैंने यहां पे लिखा हुआ है वो दरअसल यहां पर है, इसका अपना एक मैकेनिज्म भी है लेकिन मैंने आपको सिर्फ सिंपल बता दिया कि इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इधर देखो, इधर भी आपने COO को रिमूव कर दिया ना, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने रिमूव कर दिया लेकिन करंट की मदद से। लास्ट है फ्रॉम द कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स किसको कहते हैं, या तो ये कीटोन को कहते हैं, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड को कहते हैं। अब ये मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के वीडियो में मैंने बताया था कि ये कीटोन और एल्डिहाइड है। अगर आपके पास कीटोन है तो इसको आप क्या कहते हैं, रिड्यूस कर दे, रिड्यूस का मतलब ऑक्सीजन को हटाकर उसमें हाइड्रोजन आप ऐड कर दें। ये जो आपके पास चार हाइड्रोजन है, अगर इस चार में से दो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाए तो ये डबल बॉन्ड ओ को हम लोग रिमूव करेंगे, यहाँ पर दो हाइड्रोजन आ जाएंगे CH3 CH3, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये CH3 है, ये जो कार्बन है इसके पास बना CH2 और ये है आपका CH3। लेकिन सवाल है कि इसको रिड्यूस कौन करेगा, इसको एटॉमिक, ये जो हाइड्रोजन है रिएक्टिव हाइड्रोजन है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जिंक और एमलगम, जिंक और एमलगम जब ये HCl के अंदर मौजूद होगा तो इनके अंदर ये ताकत है कि ये आपके लिए हाइड्रोजन जनरेट करेगा और वो हाइड्रोजन आकर इस कार्बन के साथ अटैच होकर ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। ऑक्सीजन को जब ये यहाँ से रिमूव करेगा तो वो ऑक्सीजन आपको किस शक्ल में नजर आएगा, H2O की शक्ल में आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन रह जाएंगे वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाएगा। तो अब आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH3 हमारे पास क्या है, प्रोपेन है, ये भी हमारे पास एल्केन बन गया। इसी तरह दोबारा से आप लोग, अगर आपके पास ये एल्डिहाइड है, नाउ वी हैव एल्डिहाइड, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था कीटोन। एल्डिहाइड को भी आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इस ऑक्सीजन को हटा दे और इसकी जगह आप हाइड्रोजन लिया, तो यहाँ पर आप देखें CH3 CH3 पहले से मौजूद है और ये जो कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन आ जाएंगे CH3 एंड देन ये जो आपका ऑक्सीजन है ये फिर से H2O की सूरत में निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ आपने हिफ्स करना है, इधर आप थोड़ा सा पराठा लगाना होगा आपको कि इस बार हमारे पास हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन क्या है, N2H4 हाइड्राजीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर भी आपके पास होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ईथेन, वहाँ प्रोपेन बनाता, ठीक है, कीटोन से आपको प्रोपेन मिलेगा जबकि एल्डिहाइड आपका जो इथेनॉल है उससे आपको ईथेन मिल जाएगा, राइट। लास्ट है फ्रॉम द ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या चीज है, जब भी किसी अल्काइल के साथ मैग्नीशियम आ जाए और मैग्नीशियम के साथ कोई भी हैलोजन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। दोबारा से देखिए, जब भी किसी अल्काइल ग्रुप के साथ मैग्नीशियम अटैच हो और मैग्नीशियम के साथ कोई भी हैलोजन अटैच हो, दैट्स कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो हमारे पास ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल
मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमारे पास है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट को सबसे पहले ईथर में इसको बनाया जाता है, अल्काइल हैलाइड से बनाया जाता है। जब आपके पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट आ जाए तो उसको पानी के अंदर या एसिड के अंदर डाल के ये खुद ब खुद अपने आप को तोड़ देगा। ये अपने आप को किस तरह से तोड़ देगा? तोड़ने का तरीका ये है कि ये जो OH है, ये जो OH है पानी वाला OH है, ये यहाँ से मूव करके किसके पास आ जाएगा? मैग्नीशियम के पास आएगा, और जो हाइड्रोजन है वो CH3 के पास आ जाएगा। बॉन्ड जिसने तोड़ना है वो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है? ये जो CH3 और मैग्नीशियम के बीच जो बॉन्ड, ये टूट जाएगा। तो हमारे पास जो CH3 है उसके पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा मैग्नीशियम, बचा मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन पहले से अटैच है, और वो जो OH है वो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इससे तो हमारा कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन काम की चीज हमारे पास क्या है? CH4, मीथेन आपके पास आ गया। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अगर आप मीथेन बना लिया आपने, अब मैं आपसे पूछता हूँ आप इथेन कैसे बनाओगे? इथेन बनाने के लिए आपको इधर कार्बन को बढ़ाना होगा। इथेन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? इथेन बनाने के लिए आपको करना होगा CH3CH2MgBr। अगर आप ये लोगे तो फिर आपके पास इथेन बन जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ने हमेशा ये वाला बॉन्ड ने तोड़ना है, CH2 और मैग्नीशियम इस बॉन्ड ने टूटना है, राइट। और अगर आप कहते हैं कि प्रोपेन किस तरह बनाओगे, तो प्रोपेन के लिए आपने करना क्या है? प्रोपेन के लिए आपको CH3CH2 करना होगा, CH3CH2CH2MgBr। MgBr का होना लाजमी है, तब जाकर इसका नाम है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इधर आपके पास ऑप्शन है, आप आयोडीन भी इस्तेमाल कर सकते हो, इधर आयोडीन भी आप लोग रख सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। असल में जो मैग्नीशियम और फर्स्ट कार्बन के बीच जो बॉन्ड है इसने टूटना है, ये जो पानी वाला हाइड्रोजन है वो इधर अटैच हो जाएगा, और जो OH है वो मैग्नीशियम पर आ जाएगा। मतलब आप लकीर के फकीर नहीं बनोगे। कोई भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर आपके सामने लिख दिया जाए, उसके साथ पानी को अटैच करके आप आगे बता सकते हैं कि क्या बनेगा, और आप ये भी बता सकते हैं कि क्या बनेगा। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा अगर इधर आपका ब्रोमीन है। अगर इधर आपका आयोडीन है तो बनेगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। अगर यहाँ पर क्लोरीन है तो बनेगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। ये एग्जामिनेशन में, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड फ्रॉम दैस एंड दैट कंपाउंड, फिर आप वहां से बनाओगे। तो ये था प्रिपेरेशन ऑफ अल्केन्स। आई होप आपने सारा का सारा नोट किया होगा, इसको बार बार देख लीजिए, आपसे जो है ये आप भूल पाओगे वरना, और अगर प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आप नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि अल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टाटा।